नमस्कार नमस्कार। आयुर्वेद के बारे में संवाद करने के लिए हमारे साथ अभी जो वैद्यराज आ गए हैं, आयुर्वेदाचार्य ऐसे उनकी ख्याति है। मैं वैद्यराज जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे सामान्य मन में उठते हैं, ऐसे ही कुछ सवाल है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले 20 साल में देखा है कि नई नई बीमारियाँ आ रही है, कभी तो इबोला नाम का एक व्याधि आया था, शुक्र है कि भारत में वो उतना ज़्यादा आया नहीं। स्वाइन फ्लू करके एक व्याधि बीच में उत्पन्न हो गई थी कुछ 100-150 साल पहले, और कोई तो स्पैनिश फ्लू करके एक व्याधि उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे व्याधियाँ उत्पन्न होती रहती है, मगर आयुर्वेद जो लिखा गया है वो बहुत पहले के ज़माने में लिखा है। तो उसमें ये आयुर्वेदिक तरीके से आप ये जो संसर्गजन्य व्याधियाँ आती है उसके ऊपर उपचार कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आयुर्वेद में लिखा नहीं तो आप कैसे करेंगे, एक सवाल, कर सकते हैं क्या? और अगर करेंगे तो उसका प्रभाव कितना रहता है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसे जो संसर्गजन्य कोई भी बीमारी हो या तो नई नई इसके आगे भी निकलने वाली कोई भी बीमारी हो, तो आयुर्वेद में उसका विचार ऐसे किया जाता है कि वो बीमारियां होने के बाद शरीर के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, और शरीर के ऊपर जो परिणाम होते हैं उसके लिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। ओके। और शरीर के ऊपर जो भी परिणाम है, मतलब हम लोग बोलते हैं वात पित्त कफ त्रिदोष, त्रिदोष में जो भी बिगाड़ हुआ है वो बिगाड़, या तो इम्यूनिटी कम हो गई है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सब जंतु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब जो है वो अपने शरीर में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? उनको बढ़ने लायक पोषक स्थिति शरीर में होती है। ये पोषक स्थिति उनकी बढ़ने लायक जो है वो कम करने के लिए अपने आयुर्वेद में दवाइयाँ है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ने के बाद अपने आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, ऐसे देखा जाता है। अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि अभी इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कल परसों में मेरे को काम पे जाना है, लेकिन आज तो मेरे को ऐसे बुखार जैसा लग रहा है, आप दवाइयाँ दीजिए। तो हम जब भी देते हैं तभी तुरंत दूसरे दिन उसका बुखार नहीं जाता है, लेकिन बुखार अगर नहीं जाता है तो भी उसकी जो कंप्लेंट रहती है जिससे वो अशक्ति आ जाती है या तो एकदम अनइजी लगता है, भूख नहीं लगती, वो सब उसका ठीक हो जाता है। तो उसको लगता है मेरा बुखार बड़ा अच्छा ठीक हो गया, लेकिन बाद में वो काम पे जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है ना, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी जो कम हो गई है तो इम्यूनिटी बढ़ती है, काम पे जाता है। बाद में 3 दिन के बाद हमारे पास आता नहीं, 10 दिन के बाद आता है, बोलता है कि अरे मैंने कल देखा तो मेरे को बुखार है, क्योंकि तभी उसकी इम्यूनिटी की लेवल वापस नीचे आ जाती है और अशक्ति वापस आ जाती है और वो आ जाता है। मतलब आयुर्वेद में उसके लिए दवाइयाँ है, लेकिन कोऑपरेशन रुग्ण का उसके लिए है नहीं। अगर कोई रुग्ण आपको सहकार्य करे पूर्ण रूप से, तो ऐसी जो संक्रमित होने वाली जो व्याधियाँ है उसके ऊपर आप अच्छी तरह से उपचार कर सकते हैं। आयुर्वेद की तरीके से उपचार हो सकता है, लेकिन अगेन आजकल का प्रचलित जो जमाना है कि उसमें आयुर्वेद से समझ लीजिए 4-10% उपचार नहीं हुए तो समाज मान्य नहीं है। लेकिन कोई अलग चिकित्सा पद्धति से रुग्ण गया, गुजर गया, तो भी सर्वमान्य है। इसके लिए आयुर्वेद के जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके लिए उसकी ओर अपनी ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाकी सब उनके लिए है बीमारियां रखी हुई। और ऐसे है कि उस रोग में हर एक का कैपेसिटी होता है। अभी आपने ऐसे भी देखा हुआ है कि 5 मिर्ची खाके भी किसी को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन 1 मिर्ची का ऐसे सूंघ लिया तो भी तकलीफ होने वाले लोग हैं। तो ये कैपेसिटी पे निर्भर करता है। जो इन्फेक्शन है जो इंसान को हुआ है वो इंसान की बेसिक इम्यूनिटी, बेसिक बेरेबिलिटी क्या है उसके ऊपर उसने सोचना है, और उसके ऊपर वैद्य ने भी देखना है कि उसको आयुर्वेद की चिकित्सा फलदायी होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि उनके लिए फलदायी नहीं होंगे, उनके लिए अपने लिए एडमिट करना, ये सब एंटीबायोटिक देना, ये सब इलाज है। तो आपके विवेचन से ऐसा पता चलता है कि
और भी नई कौन सी व्याधि आ गई तो उसके लिए आयुर्वेद में एक ही जो मार्ग, जैसे आपने बताया कि आप पर्सनल लेवल इम्यूनिटी बढ़ा के उसके ऊपर से उपचार आप कर सकते हैं।